हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग फाइल एंड डायरेक्टरी यूज़र एंड ग्रुप ओनरशिप। जब भी कोई यूज़र फाइल क्रिएट करता है तो उसका ओनर वही यूज़र होता है जिसने फाइल क्रिएट किया है। अ ग्रुप ओनर उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में और जानना है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी फाइल का ओनर अ ग्रुप ओनर कैसे चेंज करते हैं। ओनरशिप चेंज करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं chown, इसका फुल फॉर्म है चेंज ओनर। इस कमांड की हेल्प से हम फाइल का ओनरशिप चेंज करते हैं और इसके लिए हमारे पास सुपर यूज़र या रूट यूज़र का एक्सेस होना चाहिए। सिंटैक्स chown ऑप्शंस यूज़र नेम कोलन ग्रुप नेम फाइल नेम। अगर सिर्फ यूज़र चेंज करना है देन chown यूज़र नेम फाइल नेम। अगर सिर्फ ग्रुप चेंज करना है देन chown कोलन ग्रुप नेम देन फाइल नेम। अगर हम कोलन नहीं डालेंगे तब chown कमांड इसको यूज़र नेम की तरह ट्रीट करेगा, ये बात याद रखना। अगर यूज़र और ग्रुप दोनों को चेंज करना है देन chown यूज़र नेम कोलन ग्रुप नेम फाइल नेम। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फाइल का ओनर और ग्रुप ओनर कौन है। उसको जानने के लिए हम कमांड रन करते हैं ls-l। हाइफन एल मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग, एंटर। यहाँ पर जो कोलन थर्ड है वो कोलन थर्ड बताता है कि उस फाइल का ओनर कौन है और कोलन फोर्थ बताता है कि उस फाइल का ग्रुप ओनर कौन है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर फाइल वन है, इसका ओनर है नन वन, ग्रुप ओनर है नन वन। यहाँ पे फाइल है ग्रुप नन, इसका ओनर है नो नाइट, यूज़र है, और नन जो होता है उसका ग्रुप ओनर है। तो ये बात याद रखना। अब मैं जो होता हूँ फाइल वन का ओनर चेंज करूँगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो फाइल वन का जो ओनर है वो है नन वन। मैं फाइल वन का ओनर देना चाहता हूँ नो नाइट, तो उसके लिए कमांड है chown यूज़र नेम नो नाइट देन फाइल नेम, एंटर। आप ls-l, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो मेरा फाइल वन है उसका ऑनर हो गया नो नाइट। अगर मुझे इसका ग्रुप चेंज करना है फाइल वन का, यहाँ पर नन वन है, मैं चाहता हूँ इसका जो ग्रुप ऑनर हो जाए वो हो जाए नन। उसके लिए कमांड है chown कोलन। हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं इसलिए ग्रुप से पहले जो होता है कोलन आएगा, उसके बाद आता है ग्रुप का नेम देन फाइल नेम। दोबारा से ls-l कमांड, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो मेरा फाइल वन है तो उसका जो ग्रुप ओनर है वो हो गया नन, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइल टू पे। मैं चाहता हूँ मैं जो फाइल टू है उसका यूज़र हो जाए नन वन और ग्रुप ओनर हो जाए नन, तो उसके लिए कमांड है chown यूज़र नेम। पहले हमेशा यूज़र नेम आता है याद रखना, वो है मेरा नन वन। ग्रुप में देना चाहता हूँ नन, तो नन देन फाइल नेम टू, एंटर। ls-l, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो मेरा फाइल टू है उसका ओनर हो गया नन वन और ग्रुप ओनर हो गया नन। अब मैं आपको बताऊँगा हाइफन कैपिटल आर का यूज़ chown कमांड के साथ। हाइफन कैपिटल आर का मतलब होता है रिकर्सिवली। इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा समझो, आपको एक अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं मेरे पास यहाँ पर z-1 फोल्डर है, अगर मैं इसके कंटेंट को देखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे फाइलें हैं और उनका ओनर है नो नाइट। अगर मुझे इन सभी फाइलों का ओनर एक ही बारी में चेंज करना है और वो मुझे देना नाइन वन, तब जो होता है मुझे हाइफन कैपिटल आर का यूज़ करना पड़ेगा ताकि एक ही बारी में जो होता है इसका ओनर चेंज हो जाए। वो हम कैसे करते हैं, chown हाइफन कैपिटल आर देन ओनर या यूज़र नेम, उसके बाद डायरेक्टरी नेम, एंटर। ls-l zdir1, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इन सब का जो ओनर हो गया वो हो गया नन वन। अगर मुझे ग्रुप चेंज करना है एक ही बारी में देन chown हाइफन कैपिटल आर कोलन, कोलन के बाद जो होता है ग्रुप नेम आता है याद रखना, नो नाइट देन फोल्डर या डायरेक्टरी नेम ls-l, यहाँ पर आप ls-l zdir1,
यहाँ पर आप चेक कर सकते हो उनका जो ग्रुप है वो चेंज हो गया है, वो हो गया नो नाइट। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।